कई नागरिकों ने शिकायत की है कि गोंदिया नगर परिषद में प्रशासक 2 साल से कार्यरत है और नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी कार्यालय में नहीं मिलते हैं। कई बार शिवसेना ने भी विरोध किया और अपनी कुर्सी छोड़कर साहब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गोंदिया व्यापारी संघ को काफी दिक्कत हुई है, इसलिए उन्होंने नगर परिषद में मुख्य कार्यकारी से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें भी नगर परिषद में सीओ साहब नहीं मिले। तो आखिरकार गोंदिया सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन उनके घर पर गया और उन्हें गोंदिया शहर की विभिन्न समस्याओं के संबंध में बयान दिया। गोंदिया शहर वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें अतिक्रमण की समस्या, भूमिगत जल जमाव की समस्या, शहर में पार्किंग प्लाजा और स्टेडियम में शौचालयों की खराब स्थिति, शहर में जल निकासी की समस्या शामिल है। इन समस्याओं को लेकर विभिन्न संगठनों ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं होने की शिकायतें मिल रही थी। इसीलिए गोंदिया शहर के व्यापार संघ ने उनके घर पर जाकर उन्हें गोंदिया की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया और अनुरोध किया कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। प्राचार्य ने आश्वासन दिया है। अब गोंदिया जिला व्यापारी संघ सहित नागरिकों को उम्मीद है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे। गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन गोंदिया शहर के अंदर व्याप्त अनियमितताओं पर लगातार आवाज़ उठाता रहा है। सीओ साहब से आज दिन में 2 बार बातचीत हुई और उनका समय हमें नहीं मिल पाया, लेकिन चूंकि कई दिनों से ये मसला पेंडिंग था तो हमने आज सीओ साहब के निवेदन पर उनके घर आकर के उन्हें समस्याओं का ज्ञापन सौंपा है। देखिए, गोंदिया शहर के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं व्याप्त है, चूंकि गोंदिया शहर के अंदर प्रशासक बैठा हुआ है नगर पालिका में और सीओ सर्वाधिकार संपन्न एक प्रभावशाली अधिकारी है। इस नाते हमने सीओ साहब को मिलकर गोंदिया शहर की अनेक अनियमितताओं पर ध्यान आकर्षण कराया है, जिसमें अंडरग्राउंड अभी सबसे ज्वलंतशील मुद्दा है। अंडरग्राउंड को लेकर गोंदिया के पार्किंग प्लाजा में जो टॉयलेट्स बंद पड़े हैं, जिसके सीओ साहब से अनुरोध किया है कि इतना सुंदर पार्किंग प्लाजा बना हुआ है उसके अंदर में सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट की गई है, उनकी सफाई करवाकर उन्हें नियमित किया जाए। इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर में टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन सफाई के अभाव में वे सारे के सारे बंद पड़े हैं। सीओ साहब ने हमें बताया कि अभी नए टॉयलेट्स बनाने का भी प्रोविज़न किया गया है। हमने उनसे कहा कि आप नए टॉयलेट बनाइए, उसका स्वागत है, लेकिन जो टॉयलेट बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, पहले आप उन्हें भी दुरुस्त कीजिए। गोंदिया के मुख्य बाजार में बहुत सारी अनियमितताएं, ट्रैफिक की समस्याएं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं, गोंदिया की नालियों की साफ़ सफाई की समस्याएँ हैं, मच्छरों की समस्याएँ हैं। सारी बातों पर बहुत विस्तार से उन्होंने हमें सुना, हमें समय दिया और उन्होंने हमें समाधानकारक रूप से इस बात का जवाब दिया है कि वे शहर में निकलेंगे और शहर की सारी अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास। एनबीसी न्यूज़ के लिए गोंदिया से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।